ईपीएफओ क्या ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने, मतलब इतने दिनों से पीएफ पोर्टल पर चल क्या रहा है बताता हूं आप लोगों को। आपको तो पता नहीं होगा क्या चल रहा है आपके पोर्टल पर कि भाई पीएफ मेंबर ने पीएफ क्लेम किया, क्लेम सेटल भी हो गया, ठीक है पैसा भी बैंक अकाउंट में आ गया, लेकिन फिर भी जो स्टेटस है वो पीएफ पोर्टल पर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। अभी आपको समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम, आगे वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। भाई मुझे तो नहीं लगता कि ईपीएफओ को पता भी होगा कि उन्हीं के पीएफ पोर्टल पर ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से सभी पीएफ मेंबर्स परेशान है। पूरी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, एक चीज मैं आप सभी पीएफ मेंबर से पहले ही बता दूं कि भाई आज की इस वीडियो को आप लाइक करो या ना करो बेशक से मत करना, लेकिन शेयर जरूर करना, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को मैं आप लोगों के बारे में बताने वाला हूं ना, और ईपीएफओ से आप कह सकते हैं ना कि मैं भाई पूछने वाला हूं कि क्यों आ रही है इतने दिनों से प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सभी पीएफ मेंबर्स के साथ आ रही है, ऐसा नहीं किसी एक पीएफ मेंबर के साथ आ रही है। और आप सभी पीएफ मेंबर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब मैंने ईपीएफओ को किसी भी प्रॉब्लम को लेकर ऐसी वीडियो बनाई है तो ईपीएफओ द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। मैंने जितनी प्रॉब्लम्स के बारे में बनाई है वो प्रॉब्लम ईपीएफओ द्वारा सॉल्व करी गई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से समझा देता हूं कि आखिरकार पीएफ पोर्टल पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस वजह से सभी पीएफ मेंबर्स परेशान है, और 101% डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि वो प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही होगी। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना भाई। ये प्रॉब्लम पिछले लगभग एक महीने से सभी पीएफ मेंबर्स को आ रही है उनके पीएफ में, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मान लीजिए आपने अपना पीएफ का क्लेम कर दिया, ठीक है ना, पीएफ का क्लेम किया, क्लेम सेटल भी हो गया, आपका पैसा भी बैंक अकाउंट में आ गया, लेकिन फिर भी जो पीएफ पोर्टल पर स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। और जब कोई पीएफ मेंबर दोबारा पीएफ क्लेम करने जा रहा है तो उनके सामने कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है कि प्रीवियस क्लेम आपका ऑलरेडी पेंडिंग में है, आप उसका स्टेटस चेक करिए। अरे कैसे बताऊं भैया, मेरा पैसा भी मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, क्लेम कहां से पेंडिंग में है, और उसी सेम क्लेम का जो स्टेटस है वो पीएफ पासबुक पोर्टल में सेटल दिखा रहा है लेकिन पीएफ पोर्टल में अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, और इस वजह से आप सभी पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ का क्लेम ही नहीं कर पा रहे दोबारा। ये प्रॉब्लम आ रही है ना आपके साथ, अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब देखिए ईपीएफओ में आपसे ये सवाल पूछता हूं कि भाई किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, कोई बीमार है, किसी की शादी है, कोई भी इमरजेंसी है पैसों की, और भैया यहां पे तो आपका सर्वर इशू चल रहा है इतने एक महीने से। भाई सर्वर इशू कोई एक महीने का होता है क्या, दो दिन चार दिन एक हफ्ते की समझी जाती है कि ठीक है भाई कोई मतलब आप कह सकते हो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई होगी, लेकिन एक एक महीने का कौन सा सर्वर इशू चलता है आप लोग बताओ ना मुझे। या भैया किसी घर में कोई इमरजेंसी पड़ी है, आपका सर्वर इशू चल रहा है, वो एडवांस पैसा कैसे निकाले, वो तो फंस गया ना भैया, अपना ही पैसा निकालने के लिए हम फंस चुके हैं। तो ईपीएफओ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे नहीं लगता आपको पता होगा, जब भी आप लोग शांत बैठे हो कुछ पता ही नहीं आपको भाई क्या चल रहा है पीएफ पोर्टल पर। पीएफ पोर्टल पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है डियर ईपीएफओ, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, कि भाई जिन पीएफ मेंबर ने पहले पीएफ क्लेम किया था उनका क्लेम सेटल भी हो गया, पैसा भी बैंक अकाउंट में आ गया, लेकिन जो स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है। अब उसकी वजह से पीएफ मेंबर द्वारा क्लेम नहीं कर पा रहा है, वहां पर ऐसा एरर आ रहा है कि ऑलरेडी क्लेम पेंडिंग में है, जबकि मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में भी आ गया है, और पीएफ पासबुक पोर्टल में जब हम स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वहां सेटल भी दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम चल रही है। तो भाई ईपीएफओ मानता हूं एक दो दिन की प्रॉब्लम होती है, एक हफ्ते की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ना ही तो आपके पास पैसों की कमी है कि आप एक अच्छी टीम नहीं हायर कर पा रहे हो पैसे की कमी की वजह से, पैसा भी आपके पास अंधा है, तो आप एक अच्छी टीम हायर करो ना, क्यों आए दिन पीएफ पोर्टल पर इतनी प्रॉब्लम चलती रहती है। भाई आपके लिए तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, किसी के घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, वो पीएफ के सहारे ही बैठा था, उसका क्या होगा, आप मुझे जवाब दो ना इस चीज का। एक दो दिन चलता है लेकिन एक महीने नहीं चलता है, ठीक है। तो मेरी ईपीएफओ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपको नहीं पता था ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको टैग कर दिया, अब आपको पता चल गया होगा कि पीएफ पोर्टल पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपसे कृपया करके हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। पीएफ मेंबर्स को उनके पीएफ में जमा हुए पैसों को निकालने की जरूरत है, वो जमा होने के लिए जमा नहीं कर रखे हैं, इमरजेंसी में काम आए इसलिए पीएफ कटवाते हैं लोग। लेकिन किस चीज की इमरजेंसी भैया, आपका तो आए दिन पीएफ पोर्टल पे सर्वर इश्यू चलता रहता है, और ये कोई छोटा मोटा सर्वर इशू नहीं है, बड़ा सर्वर इशू है, ठीक है ना। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व की जाए, ठीक है। पीएफ मेंबर्स परेशान है, अब तक आपको नहीं पता था तो अब पता चल गया होगा, प्लीज आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और आप सभी पीएफ मेंबर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो पीएफ ऑफिस तक पहुंचे और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। और मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को डंके की चोट पे कि ये वीडियो अगर पहुंच गई ईपीएफओ तक तो प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी, बस अब आप लोग ना प्यार दिखाना, समझ गए ना आप लोग। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही भैया, ईपीएफओ की आंखें खोलनी थी कि पीएफ मेंबर पागल नहीं है जो अपना ही पैसा पीएफ का कटवा के इतना इंतजार करेंगे, ठीक है, इतना वेट करेंगे। तो बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ईपीएफओ से दोबारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया मत करो ऐसा काम यार,
जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।